हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने बात की थी कि हमने पिछली क्लास में रेशो के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और उसके अलावा क्या करा था, उसके अलावा एंड में हमने क्लास में प्रोपोर्शन स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने बोला था जब प्रोपोर्शन का बेसिक हो जाएगा तो रेशियो और प्रोपोर्शन को मिलाकर मिसलिनियस क्वेश्चन बनाएंगे। वही क्वेश्चन तभी वो अच्छे क्वेश्चन बन पाएंगे जब उन दोनों को कंपाइल करके हम यूज़ करेंगे उन दोनों की प्रॉपर्टी को। तो यहाँ से हमें रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी भी सीखने को मिलेंगी, और इसके अलावा प्रोपोर्शन का बेसिक जानने को मिलेगा। तो प्रोपोर्शन में पहले हमने बात की थी, प्रोपोर्शन में हमने क्या बात की थी, प्रोपोर्शन में हमने ये बात की थी कि इफ ए बी सी डी आर एन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी किसमें प्रोपोर्शन में, तो पहले वाली दो का रेशियो ए अपॉन बी, बाद वाली दो का रेशियो क्या हो जाएगा सी अपॉन डी, ये इक्वल होना चाहिए। इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन देन देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँगा सही कि क्वेश्चन की, कि मान लो जैसे दिया है सवाल में 2 4 8 और यहाँ पे एक्स आर एन प्रपोर्शन, आर एन प्रपोर्शन क्या दिया है कि 2 4 8 एंड एक्स आर एन प्रपोर्शन, देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये मैं बताना है। क्या दिया सवाल में 2 4 8 6 प्रपोर्शन में, तो हमसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने बताया था जब भी चीज़ें प्रपोर्शन में होती हैं तो पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के बराबर होता है, तो इसको रख देंगे 2/4 इज इक्वल टू 8/6, 2/4 इज इक्वल टू 8/6, तो 2/4 इज इक्वल टू 8/6 हो गया। यहाँ से ये जाएगा 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो ये उधर जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 16 मिल गई। क्या लॉजिक हमने यूज़ किया, हमने ये लॉजिक यूज किया कि जब भी चीज़ें प्रोपोर्शन में होती हैं, कल मैंने बताया था कि पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के बराबर होगा, तो पहले वाली दो टर्म कौन सी थी 2 और 4, बाद वाली दो टर्म कौन सी हैं 8 और x, तो 2/4 इज इक्वल टू 8/x, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16 आ गई। तो ये तो हुआ अभी प्रोपोर्शन, जब कितनी टर्म थी 4 टर्म थी, अगर 3 टर्म की अगर मैं वही बात करूँ तो कैसे होगा देखते हैं। अगर 3 टर्म पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 3 टर्म पर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे 2 8 और x आर एन प्रपोर्शन, 2 4 8 x आर एन प्रपोर्शन, देन वैल्यू ऑफ x विल बी, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था प्रोपोर्शन के लिए पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के इक्वल होता है, अगर चीज़ें प्रोपोर्शन में होती हैं, तो 2/8 इज इक्वल टू 8/x, क्योंकि पहले वाली दो टर्म कौन सी हैं 2 और 8, और बाद वाली दो टर्म कौन सी हैं 8 और x, तो 2/8 इज इक्वल टू 8/x, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64, और 64/2 दैट इज 32, तो ये यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई। तो क्या जाना, अगर जब भी तीन चीज़ें प्रपोर्शन में होंगी, तो जब भी कोई भी चीज़ें प्रपोर्शन में होंगी, तो पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के इक्वल होगा, और अगर पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के इक्वल होता है, तो इस केस में पहले वाली दो कौन सी हैं 2 और 8, और बाद वाली दो कौन सी हैं 8 और x है। तो अब मैंने 2/8 यानी कि ये कितना 64, और 64/2 तो एक्स की वैल्यू आ गई 32। अभी तो ये हुआ इसकी बात, अगर अब जब जो ऐसे सवाल पूछता है अब जैसे अब क्वेश्चन आते हैं किसी भी चीज का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, वो किन्हीं भी दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, अगर ए एंड बी दो नंबर हैं और उनका क्या पूछा है मैं, उनका क्या पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल, अगर ए और बी दो नंबर है और उनका मैं थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि
ए बी और उस नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स, लेट कर लिया। वो एक नंबर रहा होगा एक्स जो इसके थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, क्यों? इसका मतलब यही तो होगा, ए बी और एक्स तीन नंबर होंगे, वो उसके समय होंगे आर एन प्रोपोर्शन में होंगे। आर एन प्रोपोर्शन, और अगर ये प्रोपोर्शन में होंगे तो मुझे पता है कि पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो की रेशियो के बराबर होगा, और पहले वाली ए अपॉन बी बाद वाली दो बी अपॉन एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है किसका था, अगर दो नंबर दिए हैं ए और बी और उनका क्या पूछा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ए और बी दो नंबर दिए हैं जो कि क्या है, ए और बी हैं, दो नंबर हैं उन वो क्या है, ए और बी हैं अगर, और थर्ड प्रोपोर्शनल उनका हमने लेट कर लिया, वो क्या है, एक्स है, तो ये तीनों प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब ही प्रोपोर्शन में होंगे ये तीनों, और अगर ये तीनों नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो की रेशियो के बराबर होगा, और अगर पहले वाली दो का रेशियो बाद वाले दो रेशियो दो नंबर के रेशियो के बराबर होगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हुआ थर्ड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल की कंडीशन हुई। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की कंडीशन ये हुई तो आप जानेंगे दो दो और बचते हैं मीन प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब एक और लिखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, तो यहाँ पे फोर्थ पूछा तो नंबर कितने रहे होंगे, पहले तो तीन रहे होंगे, तीन नंबर रहे होंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी और जो प्रोपोर्शनल वाला नंबर होगा वो एक्स रहा होगा, हमने लेट कर लिया आर एन प्रोपोर्शन, ये किसमें, प्रोपोर्शन में। अब ये प्रोपोर्शन में अगर, तो मैंने क्या बताया था, पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के बराबर होगा, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी सी अपॉन ए। ये हो गया किसका, फोर्थ प्रोपोर्शनल का। अब मैं इधर लिख देता हूँ जो चीज़ें हमने अभी पढ़ ली हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर अपॉन ए, और फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का होता है बी सी अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल का हो गया बी सी अपॉन ए, ठीक है। तो अभी ये दो हुआ, अब इसके बाद जो आता है वो मीन प्रोपोर्शनल, ये लास्ट होगा। अब इसके बाद बात करें अगर तो मीन प्रोपोर्शनल की, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल की बात करें तो मीन का मतलब होता है मिड, मध्य यानी कि मिडल में, तो मतलब इसका मिडल में प्रोपोर्शनल कौन सा हुआ, यानी कि ए एक्स और बी प्रोपोर्शनल, इस समय बी किस में, एक्स किस में होगा, मिडल में होगा, क्यों, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल दिया है, तो ए एक्स बी आर एन प्रोपोर्शन, आर एन प्रपोर्शन। और अगर ए एक्स बी प्रपोर्शन में है तो पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के इक्वल होगा, दैट इज ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी। इफ ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी। तो ये हमने ड्राइव कर लिया कि मीन प्रोपोर्शनल ए और बी का क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी होगा। तो यानी मीन प्रोपोर्शनल की बात करूं अगर, मीन प्रोपोर्शनल
इज इक्वल टू रूट ए बी। ये किसके दिया, ये दोनों यहाँ पे कितने नंबर थे, तीन नंबर थे, फोर प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी और यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी होता है बी सी अपॉन ए, मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। तो ये तीन कंडीशन हमें मिली। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनको भी डिस्कस करते हैं। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ मान लिए दो नंबर दिए कितने, थ्री और एट, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ थ्री एंड एट। तो अगर थ्री और एट का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थ्री और एट का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो वो क्या क्या होगा, थ्री और एट का तो मैंने बताया था, थ्री अगर थर्ड प्रोपोर्शन एक तो या तो मैं फॉर्मूला याद कर लूँ डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या होगा बी स्क्वेयर अपॉन ए, तो बी स्क्वेयर अपॉन ए थर्ड प्रोपोर्शन का, और फॉर्मूला बी स्क्वेयर अपॉन ए होगा तो बी स्क्वेयर 64 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, थ्री है, 64 अपॉन थ्री। तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए इज इक्वल टू 64 अपॉन थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या इसको करने का दूसरा तरीका मैंने या तो फॉर्मूला या मैं ये बताता हूँ कि अगर थर्ड प्रोपोर्शनल में होगी चीज़ें तो थ्री एट और एक्स जो प्रोपोर्शनल रहा होगा वो किस में होंगे, आर एन प्रोपोर्शन, आर एन प्रोपोर्शन। और अगर थ्री एट एक्स प्रोपोर्शन में होंगे तो थ्री पहले वाली दो का रेशियो थ्री अपॉन एट, बाद वाली दो का रेशियो एट अपॉन एक्स सेम होगा। तो अगर ये रेशियो सेम हो गया तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 64 अपॉन 3। तो ये 64 अपॉन 3 हो जाएगा। तो या तो आप फार्मूला लगा लें, लेकिन फार्मूला का भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा उसमें कुछ टिपिकल था बन जाएगा, तो उस केस में फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं उसको। जैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 + 4√2 एंड 3 − √3। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 + 4√2 एंड 3 − √2 3 − √3 है 3 − √2 का मीन प्रोपोर्शनल। अब मैंने मीन प्रोपोर्शनल का क्या बताया था कि ये अगर दो नंबर हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी के इक्वल होता है। अभी उधर लिखा है रूट ए बी के इक्वल होता है, अगर रूट ए बी के इक्वल होता है मीन प्रोपोर्शनल अगर, तो 12 + 4√2 इंटू
थ्री माइनस रूट टू, और ये अंडर रूट में, यही तो होगा। एक ही जगह 4 रूट 2 रख दिया और बी की जगह 3 माइनस रूट 2 रख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 अंडर रूट के बाहर से जब कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और ये क्या बचेगा, ये 4 बन जाएगा, ये तो 4 कॉमन आएगा तो ये 3 प्लस रूट 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, 3 माइनस रूट 2 बचेगा। जब इसमें से 4 कॉमन आएगा तो 3, जब 4 आएगा तो ये 3 बचेगा और ये भी 2 रूट 2 बचेगा, और 4 जब बाहर आके अंडर रूट के बाहर से आके 2 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये क्या ए है, ये क्या ए, ये क्या बी, ये क्या ए और ये क्या बी, तो ये क्या बनना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये 2 बार आ गया तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, 3 है, तो 3 अंडर रूट में तो है ही। अब ए की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 और रूट टू का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 7, तो और अंडर रूट के अंदर तो √7। अब ये इसका आंसर आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन हो तो वैसे भी ज़्यादा कि हम मानते 12 प्लस 4 √2 एंड 3 माइनस √2 एंड एक्स आर एन, और बीच में एक्स प्रपोज मीन प्रपोर्शनल पूछा है, तो एक्स प्रपोर्शन में 12 प्लस 4 √2 एक्स एंड 3 माइनस √2 इज आर एन प्रपोर्शन, तो उसमें टाइम लग जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन जो टिपिकल होते हैं उनको मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा बिना किसी टाइम को लेके, और मैं अपना टाइम सेव कर पाऊंगा। तो आगे जैसे और चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप जानेंगे रेशियो की प्रॉपर्टी जो प्रोपोर्शनल से बनी है। अब जैसे यही क्वेश्चन था, पिछला वाला क्वेश्चन था 12 प्लस 4 √2 एंड 3 माइनस √2 का क्या बताना था, मीन प्रोपोर्शनल। अगर मैंने इसको भी फॉर्मूले से करा था, अगर मैं इसको लॉजिक से करता तो कैसे करता, टाइम लगता लेकिन क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन अब वो टाइम बचाना है ना एग्जाम में। मैं तो 12 प्लस 4 √2, और अगर मीन पूछा तो मीन का मतलब मिडिल में एक्स, और 3 माइनस √2 किस में होंगे, आर एन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में होने चाहिए अगर मीन प्रपोर्शनल पूछा है तो। अगर मैंने क्या होता है, पहले वाली 2 का रेशियो बाद वाली 2 के रेशियो के बराबर होता है, तो 12 प्लस 4 √2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 माइनस √2। तो यहां से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया था, यहां से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया था, एक्स स्क्वायर इक्वल आया था, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 प्लस 4 √2 इंटू 3 माइनस √2 के इक्वल आ जाती, और 3 माइनस √2। अब जे यहां से ये स्क्वायर दोनों साइड पावर 1/2 करते तो यहाँ पे एक्स बच जाता, और उधर कितना हो जाता, 12 प्लस 4 √2 और 3 माइनस √2 और अंडर रूट लग जाता। अब ये चीज़ हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन ये चीज़ यहीं पे अगर हम फॉर्मूला याद नहीं करते तो 1, 2, 3 स्टेप के बाद हमें ये चीज़ मिल रही है, तो हमारा टाइम वहाँ पे सेव हो जाता। अब तो ये वैसे ही पहले की तरह ही सॉल्व होना है, तो अगर टाइम बचाना है तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले क्या थे, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी का फॉर्मूला तो क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला है बी सी, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला है बी सी अपॉन ए, और मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी का फॉर्मूला है रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला है बी सी अपॉन ए, और मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी का फॉर्मूला है रूट ए बी। तो ये 3 फॉर्मूले हुए। अब अगर बात करें प्रोपोर्शनल, हमने पढ़ लिया प्रोपोर्शनल से कुछ अच्छी प्रॉपर्टी बनती है रेशियो की, जिन पर मैंने बताया था कि तभी क्वेश्चन हो पाएंगे या प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, अब वो प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं।
जैसे एक प्रॉपर्टी होती है इफ, या ऊपर लिख लेना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। पहले 2-3 प्रॉपर्टी रेशियो की पढ़ चुके हैं, लेकिन ये और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। तो अगर ये इसके उक्कल दिया, तो अब ये रेशियो किसके उक्कल होगा? रेशियो ऊपर में अगर मैं प्लस करता हूँ तीनों को, तो ए प्लस सी प्लस ई अपॉन, और नीचे अगर ऊपर का प्लस किया है तो नीचे का भी तीनों का प्लस करना पड़ेगा, बी प्लस डी प्लस एफ के इक्वल होगा। या मैं ये बोलूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये रेशियो ए प्लस ऊपर वाले का, जैसे मैंने तीनों का प्लस लिया था, तो नीचे वालों का तीनों का भी प्लस लेना पड़ेगा। या अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसको कि मैं दो ही टर्म ले रहा हूँ ए और सी, तो अगर उन दोनों टर्म का मैं प्लस ले रहा हूँ, तो ए प्लस सी, और तो नीचे वालों का भी जो ऊपर लेंगे सिंबल वही नीचे लेंगे, और जितनी टर्म जैसे ऊपर ए है तो ए के करस्पॉन्डिंग नीचे कौन सी है, बी, तो बी को लेंगे अब। तो अगर मैंने ए प्लस सी ऊपर लिख दिया, तो नीचे क्या है, बी, ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी। अब उनमें ऊपर सिंबल मैंने कैसा लिया है, प्लस का, तो यहाँ पे भी सिंबल किसका लूंगा, प्लस का। तो अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ है, तो ये इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, देन ऐसे सही रहेगा। वो क्या है, ऊपर स्टेटमेंट ये लिखा था, वो लिख नहीं पाया था। देन तब ये कंक्लूजन क्या होगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अब मैं अगर तीन टर्म लेना चाह रहा हूँ ऊपर की, ऊपर मैंने ए प्लस सी प्लस ई को लिया, तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा ये रेशियो किसके बराबर होगा, ए प्लस सी प्लस ई के भी अपॉन, अगर मैंने ए प्लस सी प्लस ई ऊपर ले लिया, तो ए के करस्पॉन्डिंग बताओ क्या, ए के करस्पॉन्डिंग है बी, और सी के करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में क्या है, डी है। अभी मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा, अभी तो ये रिजल्ट लिख रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं, ए के करस्पॉन्डिंग बी, सी के करस्पॉन्डिंग डी, ई के करस्पॉन्डिंग एफ। तो अब यहाँ पे भी बी आएगा नीचे, और प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा, जिसके बीच में प्लस डी आएगा प्लस एफ आएगा। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ होगा, इस इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, अगर मैं ए प्लस सी प्लस ई को लिखना चाह रहा हूँ, तो ए प्लस सी प्लस ई ऊपर लिख लिया, नीचे क्या होगा, अगर ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी है, ए के करस्पॉन्डिंग अगर बी है, तो मैंने बी को लिया, और ए और ए के करस्पॉन्डिंग बी है, लेकिन जब सिंबल किसका था इनके बीच में, प्लस का था, ए सिंबल किसका था, प्लस का था, तो मैंने नीचे भी किसका सिंबल लिया, प्लस का लिया। फिर ई के करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ है, अगर ई के करस्पॉन्डिंग एफ है तो एफ हो गया। अब यहाँ पे भी सिंबल किसका था, प्लस का था, तो नीचे भी सिंबल किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। अगर ऐसा होता कि सिर्फ मैं दो ही टर्म लेता हूँ ऊपर की, ए प्लस सी, तो नीचे में क्या लेता, फिर नीचे में क्या लेता, मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग टर्म्स ले लिए, ए किसके करस्पॉन्डिंग है, बी के करस्पॉन्डिंग है, और सी किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन दोनों के बीच में सिंबल किसका है, साइन किसका है, दोनों के बीच में साइन है प्लस का, तो यहाँ पे भी किसका साइन लेंगे, तो बी प्लस डी प्लस का साइन ले लिया। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता कि मैं लिखता इसको सी माइनस ई लिखता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सी माइनस ई लिखता, तो अगर मैंने सी माइनस ई लिखा, तो सी के करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में क्या है, डी है, आप बोलोगे, और ई के करस्पॉन्डिंग क्या है डिनोमिनेटर में, एफ है। अगर सी के करस्पॉन्डिंग डी है और ई के करस्पॉन्डिंग एफ है, और क्या कहते हैं, इनके बीच में ऊपर सिंबल हमने किसका यूज़ किया, माइनस का यूज़ किया है, तो नीचे भी साइन किसका यूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में माइनस का यूज़ करना पड़ेगा, और ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं और बात करूँ इस रेशियो की, को एक और किसके बराबर हो सकता है, आप जो भी ऊपर लोगे उसका बस करस्पॉन्डिंग नीचे लेना हो, ध्यान रखना है उनके बीच में सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए जो ऊपर लिया है उसका। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लेता कि ए माइनस सी माइनस ई ले लेता, तो नीचे अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या बताया मैंने, डी, सी के करस्पॉन्डिंग डी, ई के करस्पॉन्डिंग एफ,
तो पहले तो लिख दिया यहाँ पे बी डी और एफ। अब ऊपर ए और सी के बीच में साइन क्या था, माइनस का था आप बोलोगे, और ए और सी के करस्पॉन्डिंग ही क्या बी और डी है, तो बी और डी के बीच में भी सिंबल किसका होगा, साइन किसका होगा, माइनस का होगा। और सी और ई किसके कर सी और ई को के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी और एफ, तो डी और एफ के भी बीच में साइन किसका होगा, माइनस का होगा, माइनस का होगा। या ये किसके भी इक्वल हो सकता है, और या ये इज इक्वल टू, ये उसी के इक्वल है, या ये किसके भी इक्वल हो सकता है। जैसे मान लिया ए प्लस सी माइनस ई, अब ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी है ए के करस्पॉन्डिंग, अगर बी ए के करस्पॉन्डिंग बी है तो यहाँ पे बी लिख लिया पहले, और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी है, ई के करस्पॉन्डिंग कौन है, एफ है। अब इनमें सिंबल लगाना है मुझे, और सिंबल लगाना है इनके बीच में, तो ए और सी के बीच में किसका सिंबल है, प्लस का है, और ए और सी के रिप्रेजेंटेटिव या ए और सी का ही करस्पॉन्डिंग कौन है, बी और डी, और ए और सी के ही करस्पॉन्डिंग बी और डी है, तो उनके बीच में किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। अब सी और ई के बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ पर डी और ई एफ क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग है, तो उनके बीच में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। इतनी बात समझ में आती है क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देन ये किसके इक्वल होगा, देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ए अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो ए प्लस सी प्लस ई ऊपर बन जाएगा। अब इन तीनों का करस्पॉन्डिंग मुझे लेना है कहाँ पर, नीचे लेना है, तो अगर इनका करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में लेना है, तो इन ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी है, सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी है, ई के करस्पॉन्डिंग कौन है, एफ है, अगर इनके करस्पॉन्डिंग ए बी सी, ए सी ई के करस्पॉन्डिंग बी डी एफ रिस्पेक्टिवली है, तो मैंने बी डी एफ पहले लिख दिया। अब ए और सी के बीच में साइन क्या था, ए और सी के बीच में ऊपर साइन प्लस का लिया हमने, तो ए और सी के जो करस्पॉन्डिंग बी और डी है उनके बीच में भी साइन क्या था, होगा प्लस का ही होगा। फिर कैसे करेंगे, फिर सी और ई को, अगर सी और ई को मैंने प्लस में लिया है तो डी और एफ के बीच में भी साइन क्या था, होगा प्लस का होगा। और फिर ए अगर दो टर्म को लेना चाहता हूँ तो दो को भी ले सकता हूँ, तीन को लेना चाहता हूँ तो तीन को भी ले सकता हूँ, तो दो को कैसे लिया हमने, दो को लिया अगर ए प्लस सी लिया तो नीचे ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी है, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी है, ए के करस्पॉन्डिंग बी है, सी के करस्पॉन्डिंग डी है, तो इनके बीच में साइन क्या था, प्लस का था, तो इनके बीच में भी साइन क्या था आएगा, प्लस का आएगा। फिर उसके बाद अगर मैंने ऐसे मान लिया कि ए को मैंने ए प्लस सी माइनस ई ले लिया, तो नीचे क्या लेंगे, ए का करस्पॉन्डिंग बी और सी के करस्पॉन्डिंग डी और ई के करस्पॉन्डिंग एफ ले लिया, फिर उसके बाद में फिर क्या किया, फिर उसके बाद में ए और सी के बीच में साइन किसका था, प्लस का था। अब ए और सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी है, तो बी के बीच में भी साइन किसका होगा, बी और डी के बीच में भी साइन किसका होगा, प्लस का होगा। और सी और ई के बीच में भी साइन किसका, अगर सी और ई के बीच में साइन माइनस का है तो सी और ई के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी और एफ है, सी और ई के करस्पॉन्डिंग डी और एफ है, तो उनके बीच में भी माइनस का साइन होगा। अब ये होगी प्रॉपर्टी, अगर इसके प्रूफ की बात करें तो इसका प्रूफ देखेंगे, जैसे मान लो ई की जगह मैंने लिख दिया 1/2, इसकी जगह 2/4 इज इक्वल टू, मान लिया जैसे 8/4/8 मान लिया जाए इज इक्वल टू 4/8, तो अगर मैंने यही तो बोला था कि इन तीनों को जोड़ने पे ऊपर नीचे इनका भी रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, बेसिक रेशियो दैट इज 1/2 के इक्वल आना चाहिए, या 2/4 के किसी के भी इक्वल, बात तो एक ही है 1/2 या 2/4, तो अब मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ अगर, तो 1+2+4/2+4+8, ये कितना हो गया, 1+2+4/2+4+8, तो ये किसके इक्वल आया यार, 7 ऊपर बन गया, नीचे कितना बन गया, 14 बन गया, तो 7/14 किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया, तो ये रेशियो भी किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के इक्वल आ रहा है, यही तो मैंने बोला था। अब या मैं इसको ऐसे भी लिखूँ, अभी मैं इसको इस प्रॉपर्टी को मिटा नहीं मिटा रहा, यहीं पर लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी नोट कर लेना, जैसे मान लो अभी मैंने इसको किसके इक्वल भी बता दिया, मैंने तीनों टर्म का ऊपर प्लस लिया था, अगर मैं पहले दो टर्म का प्लस लेता, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, पहले दो टर्म का प्लस लिया 1+2-4 बाद वाली टर्म का माइनस, तो पहले दो टर्म का भी प्लस लेना, मुझे पहले दो टर्म का मैंने इसमें क्या लिया, प्लस लिया है, तो और बाद वाली टर्म का क्या लिया, माइनस लिया, तो पहले दो टर्म का प्लस 2 और 4, तो 2+4 और बाद वाली टर्म क्या है, 8, तो -8, पहली दो टर्म का मैंने ऊपर प्लस लिया है तो नीचे भी प्लस ही लेना पड़ेगा, और बाद वाली दो टर्म का मैंने माइनस लिया बीच में, तो बाद वाली दो टर्म का नीचे भी दो टर्म का नीचे भी माइनस ही लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 3-4-1 / 2+4
सिक्स माइनस एट माइनस टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये रेशियो किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। तो मतलब ये तो हो गया इसका प्रूफ के कैसे होता है। अब ये होता क्या क्या है इसमें ये देखेंगे कि पहले वाली दो कुछ भी ले लो, अगर a प्लस सी ले रहे हो तो नीचे भी b प्लस डी, जितनी टर्म ऊपर ले रहे हो उतनी टर्म नीचे लेनी है, और टर्म्स कौन सी लेनी है और उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स लेनी है। जैसे ऊपर a c लिया तो नीचे a c के करस्पॉन्डिंग टर्म्स कौन सी थी, b और d थी, तो a c की करस्पॉन्डिंग टर्म्स कौन सी थी, a c की करस्पॉन्डिंग टर्म्स थी, ए सी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स थी बी और डी। अगर ए सी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स बी और डी थी तो हमने क्या किया, ए अगर ऊपर ए प्लस सी ले लिया तो नीचे बी प्लस डी ले लिया, अगर मैंने ऊपर सी और ई लिया है और बीच में माइनस का सिंबल यूज करा है तो नीचे उनके करस्पॉन्डिंग डी और एफ लेंगे, और उनमें भी सिंबल के साइन या किसका होगा, साइन किसका यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। अब उसके बाद में अगर मैं इन तीनों को प्लस में लेना चाह रहा हूँ तो मैं प्लस में भी ले सकता हूँ, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा, इट विल बिकम ए प्लस सी प्लस ई, एंड इन न्यूमरेटर इट विल बिकम, इन डिनोमिनेटर इट विल बिकम, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो बी डी और एफ, बी और ऊपर भी एडिशन है तो नीचे भी एडिशन ही होगा इनके करस्पॉन्डिंग, बी प्लस डी प्लस एफ, ऊपर सभी में एडिशन है तो नीचे भी सभी में एडिशन होगा। और अब ऊपर अगर एक में एडिशन है और एक में निगेटिव साइन है एक में माइनस है तो नीचे क्या होगा, ए और सी के, ए और सी क्या है, ए और सी के करस्पॉन्डिंग लेंगे, ए और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी है और डी है, और यहाँ पे बी हो गया और डी हो गया, और इनके बीच में साइन किसका है, प्लस का है, अगर इनके बीच में साइन प्लस का है तो नीचे भी प्लस का ही होगा, और लेकिन सी माइनस सी के भी और ई के बीच में साइन किसका है, माइनस का है, तो डी और एफ के बीच में भी साइन किसका होगा, माइनस का ही होगा। अब ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, यही प्रॉपर्टी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो, इसको बहुत बहुत ज़्यादा सवालों में यूज़ करेंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे इसकी लेवल बढ़ाते हैं। अब अगर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे मान लिया आपको भी एक वो आपका लेवल बढ़ाने के लिए वैसे ही क्वेश्चन, 1/2 जैसे 1/3 इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल है फिर से समझाने के लिए, 1/3 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू, नहीं ये इक्वल है ही नहीं, रेशियो इक्वल नहीं है, 1/3 इज इक्वल टू 2/6 एग्जाम्पल है, 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9। तो अब ये चीज़ किसके भी इक्वल हो सकती है। अब मैं पहले दो टर्म की बात करूँ, अगर दो टर्म की बात करूँ तो 1, और मैं इनमें एडिशन कर रहा हूँ तो 1+2। अब दो टर्म लिए हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या था मैंने बताया था, ये का काम कर रहा था उसमें जो जनरल लिखवाया था उसमें, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है और 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है नीचे 6 है। अगर 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है और 2 के करस्पॉन्डिंग 6 है और उनके बीच में साइन ऊपर किसका लिया है, प्लस का लिया है, तो नीचे भी साइन किसका यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे, तो 3+6 हो गया ये। अब ये देखेंगे इसके इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये 3/9 हो गया, और 3/9 क्या है, ये होता है ए इज इक्वल टू 3/9 या 3/9 इज इक्वल टू 2/6, बात तो यही है। जब इसको कैंसिल करेंगे, जब इसको कैंसिल कराएंगे 3/9 को तो 1/3 बचेगा, 2/6 को 1/3 बचेगा, इसको भी 1/3 बचेगा, तो ये रेशियो मतलब तीनों चारों रेशियो किसके इक्वल हो गए। अब मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, ऊपर वाले का अगर मैं 1+2 और क्या लेता हूँ, 1-2-3 लेता हूँ, इस बार इज इक्वल टू, जैसे ये हो गया इसके इक्वल, अब इज इक्वल टू 3/9। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं पहले वाली दो का प्लस ले रहा हूँ और बाद वाली का माइनस ले रहा हूँ, तो नीचे भी क्या लूँगा, पहले वाली दो का प्लस 3+6 और बाद वाली दो के बीच में क्या लूँगा, माइनस लूँगा। अब ये रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे चेक करेंगे, अब इस रेशियो को इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कैसे चेक करेंगे, ये रेशियो ये तो 0.0 बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको भी चेंज कर रहे हैं, 0.0 बन जाएगा जो कि इक्वल नहीं हो सकता, 0.0 तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तो इसको किसके इक्वल ले रहे हैं, 1+2
प्लस थ्री के इक्वल ले लिया अभी, और नीचे वाले को थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन के इक्वल ले लिया। अगर ये अभी इक्वल हो गए तो वन प्लस टू प्लस थ्री था, तो नीचे क्या लेंगे, थ्री फोर थ्री सिक्स और नाइन लेंगे। अब वन प्लस टू के बीच में साइन किसका था, प्लस का लिया, तो थ्री प्लस सिक्स, थ्री और सिक्स के बीच में भी साइन किसका लेंगे, प्लस का ही लेंगे। फिर टू प्लस थ्री के बीच में साइन किसका लिया, प्लस का, तो सिक्स और नाइन के बीच में साइन किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। तो ऊपर कितना बन गया, वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स, और नीचे कितना बन गया, थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन यानी कि एट्टीन बन गया। तो ये भी किसके इक्वल है, वन पॉइंट थ्री के इक्वल है। तो वो सभी रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, वन पॉइंट थ्री या टू पॉइंट सिक्स या थ्री पॉइंट नाइन, बात तो एक ही है, वो सभी एक ही रेशियो हैं। तो अभी तक हमने ये बात जानी, अब इसका सवाल में कैसे यूज करेंगे वो चेक करते हैं। अभी तक एक प्रॉपर्टी लिखी, अभी उनको मैं थर्ड में लिख देता हूँ अभी के लिए, जब आप इनको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से इनको यूज कर पाएंगे, और रेशियो के मैं समझता हूँ अब सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और आप सारे क्वेश्चन को जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप उनको समझ पाएंगे, अगर आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो। अभी एक आध दो चीज़ और बच रही होंगी, वो क्वेश्चंस में ही आएंगी। अब मैं लिख देता हूँ, पहले मैंने इस प्रॉपर्टी में पढ़ाया क्या, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन, नहीं सॉरी, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, तो ये किसके भी इक्वल होगा, इक्वल होगा ए प्लस सी प्लस ई के अपॉन बी प्लस, और कैसे हुआ ये मैं बता चुका हूँ, बी प्लस डी प्लस एफ, और ये एक हो सकता है ये चीज़ एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया है समझ में आ जानी चाहिए। ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, और ये किसके भी इक्वल हो सकता है, ए प्लस सी माइनस ई अपॉन बी प्लस डी माइनस एफ, और ऐसे ही चलता रहेगा, किसी के भी इक्वल कर दो इसको जो पॉसिबल हो रहा होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब हम सीट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो आपको मिल जाएगी, अब उसी में से क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करना इस प्रॉपर्टी से कितना आसान होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। इफ जेड अपॉन एक्स माइनस टू बाई इज इक्वल टू, अब इस पे सही क्वेश्चन रेशियो पे आना शुरू हो गए हैं, और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं या इनको टफ कहा जाता है, टू जेड प्लस एक्स अपॉन टू बाई इज इक्वल टू 2x अपॉन जेड, तो क्या पूछा है, 2x अपॉन जेड, देन x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अभी तो इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें, ना कोई वैल्यू दी है कि किसके इक्वल है क्या है। लेकिन अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था, कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो नीचे वाले तीनों को भी ऐड कर सकता हूँ, ये रेशियो किसके भी इक्वल होगा। अब मैंने ये देखा ये टू बाई बनना है, टू बाई, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, मैंने मुझे हिंट कहाँ से मिली कि ये भी टू बाई, ये माइनस का टू बाई बनना है, ये प्लस का टू बाई बनना है, तो इनको ऐड करने पे ये कट जाएगा, ऊपर वाला रेशियो तो एक्स और जेड के टर्म में है, नीचे वाला भी रेशियो एक्स और जेड के टर्म में हो जाएगा, और अगर ऊपर वाला रेशियो एक्स और जेड के टर्म्स में पहले से ही है तो नीचे वाला भी एक्स और जेड के टर्म्स में हो जाएगा, तो एक्स और जेड से एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, और कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचेगा, अगर कांस्टेंट बचेगा तो मैं यहाँ से अब सब रेशियो को ले सकता हूँ कि ये जेड अपॉन एक्स इसके बराबर है, तो सारा रेशियो को मैं बैलेंस कर सकता हूँ। तो मैं अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जेड अपॉन एक्स माइनस टू वाई, ध्यान से देखना इसको, टू जेड प्लस एक्स अपॉन टू वाई
इज इक्वल टू टू एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टू एक्स अपॉन जेड। अगर मैं क्या बोलता हूँ, ये किसके भी इक्वल हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है इन तीनों के एडिशन, ऊपर वाला तीनों का एडिशन। तो जेड प्लस टू जेड प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू वाई। मैंने पहले ही बोला था इसकी इंट कहाँ से मिलेगी, कि क्या करना है मुझे, प्लस लगाना माइनस लगाना, क्यों, क्योंकि तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो मैं प्लस ही लगाऊंगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया और ऊपर कितना बन गया, जेड प्लस टू जेड यानी कि थ्री जेड और थ्री एक्स, तो थ्री जेड प्लस एक्स बन गया ऊपर, और नीचे कितना बन गया, जेड प्लस एक्स, इससे कैंसिल हो गया। अब ये रेशू किसके इक्वल आ गया, सारा रेशू थ्री अपॉन वन के इक्वल आ गया। अब अगर ये थ्री अपॉन वन के इक्वल है, पहले हम क्या निकालेंगे, टू एक्स अपॉन जेड। अगर टू एक्स अपॉन जेड किसके इक्वल है, थ्री अपॉन वन के इक्वल है, तो टू एक्स अपॉन जेड अगर थ्री अपॉन वन के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स अपॉन जेड की मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स अपॉन जेड की वैल्यू मिल जाएगी थ्री अपॉन टू। अगर एक्स अपॉन जेड की वैल्यू मुझे थ्री अपॉन टू मिल गई, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये थ्री के रहा होगा और ये टू के रहा होगा, यही तो इस बात का मतलब हुआ। मैंने रेशियो में बताया था, या तो अब एक्स तो यहाँ पर भी पहले आ चुका, तो एक्स मान होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब इसको थ्री के और टू के मान लो, अगर ये थ्री के और टू के रहा होगा, तो ये वाला रेशियो जेड माइन जेड अपॉन जेड अपॉन, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, जेड अपॉन एक्स माइनस टू बाई इज इक्वल टू भी किसके इक्वल रहा होगा, थ्री अपॉन वन के इक्वल रहा होगा। अब मुझे पता है जेड की वैल्यू मैंने क्या मानी है, टू के मानी है। अगर जेड की वैल्यू मैंने टू के मानी है, और मुझे पता है अगर सबकी वैल्यू मैं के टर्म्स में ले आऊँ, तो एक रेशियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो और इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री के इक्वल है, माइनस टू बाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये टू के इज इक्वल टू नाइन के माइनस सिक्स बाई, ये इसमें मिक्स मत कर देना, मैं ऐसे इसमें लाइन बना दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इसको क्या कहते हैं, रुको जाओ एक सेकेंड, अब मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ, इसमें मिक्स मत कर लेना, वो यहाँ तक होके नीचे शायद नहीं आ पा रहा होगा, तो मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ। अब ये किसके इक्वल हो गया, जेड अपॉन एक्स माइनस टू बाई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, जेड अपॉन एक्स माइनस टू बाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन के इक्वल हो गया। तो क्या कहते हैं, जेड की वैल्यू क्या थी, टू के थी, और एक्स की वैल्यू क्या थी, थ्री के थी, माइनस टू बाई इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे और जो आपको औरों से अलग करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने से दिमाग खुलता है। तो टू के इज इक्वल टू नाइन के माइनस सिक्स वाई, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू क्या जाएगी, ये उधर जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा, सेवन के बचेगा, सिक्स वाई इज इक्वल टू सेवन के, और वाई की वैल्यू क्या जाएगी, सेवन के अपॉन सिक्स आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू सेवन के अपॉन सिक्स हो गई। अब मुझे पता है मुझे क्या पूछा था, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड पूछा था, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इसको। अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड पूछा है। तो अब मुझे पता है x की वैल्यू क्या थी, थ्री के, प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, सेवन के अपॉन सिक्स, और अब मुझे पता है ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो क्या मुझे ये के रखने की ज़रूरत है, चलो रख देता हूँ आपके लिए भी, फिर मैं बाद में बता दूंगा। प्लस टू के अपॉन कितना हो गया, ये जेड, अब जेड जेड कितना है, टू के ही है, तो ये के से के ऊपर नीचे कट जाएगा, के से के कट गया, अब ये क्या बचेगा, के से के कट गया अगर, तो इसका अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एट्टीन इज इक्वल टू थ्री सिक्स जाए एट्टीन प्लस सेवन प्लस ट्वेल्व। सिलेक्शन देखो इन क्वेश्चन से होगा, मैं फर्जी नहीं पढ़ाता मैं बिल्कुल भी, तो ये 18 प्लस सेवन प्लस ट्वेल्व और ये 6 है, तो 6 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू टू हो जाएगा, ये 6 इंटू टू हो जाएगा, तो 25 प्लस 12 कितना हो गया, 37 अपॉन 12, और यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ है, राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच हमने कहाँ से ली, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये किसी के भी इक्वल नहीं दिया था, किसी कांस्टेंट के इक्वल, और अगर किसी कांस्टेंट के इक्वल नहीं दिया रहेगा, तो मैं इसका रेशियो कहाँ से निकालूंगा, मैं इसको वैल्यू को कहाँ से निकालूंगा, तो मैंने इसके लिए क्या किया,
मैंने माइनस टू वाई और प्लस टू वाई देखा, तो मैंने कहा ये कट सकते हैं, ऊपर वाला अभी पहले से ही एक्स प्लस जेड के टर्म्स में था, नीचे वाला एक्स प्लस जेड के टर्म्स में आ जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया ऊपर, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो नीचे वाले तीनों को करस्पॉन्डिंग भी ऐड करना पड़ेगा, ये रेशियो तभी इसके इक्वल होगा। और अगर ये रेशियो अब इक्वल हो गया तो ये थ्री जेड प्लस एक्स बन गया, ऊपर नीचे क्या बन गया, जेड प्लस एक्स बन गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, थ्री के इक्वल आ गया। तो टू एक्स अपॉन जेड अगर थ्री के इक्वल है तो एक्स अपॉन जेड किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री अपॉन टू के इक्वल हो जाएगा। और मैंने उसका रेफरेंस लेने के लिए आपको आसान पड़े इसके लिए क्या मान लिया, इसको एक्स की वैल्यू क्या रही होगी थ्री के और जेड की वैल्यू क्या रही होगी टू के। अब जेड अपॉन एक्स माइनस टू वाई भी किसके इक्वल है, वो सारे रेशियो इक्वल है तो थ्री अपॉन वन के, तो जेड की वैल्यू टू के और एक्स की वैल्यू थ्री के माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन, तो टू के इज इक्वल टू नाइन के माइनस सिक्स वाई हो गया। तो सिक्स वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सेवन के आ गई, सेवन वाई की वैल्यू क्या आ गई, सेवन के प्लस सिक्स आ गई। अब मैंने इसको इसके इसमें रख दिया और इसको रखने पर 37 अपॉन टू आंसर आ गया। अब मैं इसको क्या भी कर सकता था, अब मुझे पता है ऊपर नीचे की डिग्री क्या है, सेम है, ऊपर नीचे की डिग्री क्या बन रही है, सेम बन रही है। अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम बन रही है तो मुझे पता था उनका रेशियो ही क्या दे सकता है, करेक्ट आंसर दे सकता है। अब मैं अगर इनके रेशियो की बात करूँ, अगर अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो x कितना था हमारा, x था 3 के, x कितना था 3 के, और y कितना था, y है हमारा 7 के अपॉन 6, और z क्या है, z है हमारा 2 के। अब मुझे पता है ऊपर नीचे की डिग्री सेम है तो x और y का अगर मुझे x y z का अगर मुझे रेशियो मिल जाता है तो वही उनका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 के रेशियो 6 के अपॉन 6 रेशियो 3 के रेशियो 6 7 के अपॉन 6 रेशियो 2 के, ये हो गया, ये अलग है। तो 2 के अब कैसे के कैंसिल, जब मैं डिवाइड लगाऊंगा रेशियो को किसी भी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैसे के कैंसिल हो गया। फिर अब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18:7:12 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबर का मुझे रेशियो पता लग गया, 18:7:12। अब मुझे पता है तीनों नंबर का रेशियो लग गया तो मैं उनको डायरेक्ट पुट कर, तीनों नंबर का रेशियो मिल गया तो मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को। अगर मुझे इनका रेशियो पता लग गया तो x प्लस वाई प्लस जेड था तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड कितना होगा, क्योंकि इनकी ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, हमने पहले ही देख लिया तो उनका रेशियो ही आंसर दे देगा। तो 18:7:12/12 तो 18:7 कितना हो जाएगा, 25 25 प्लस 12 37 अपॉन 12, और पिछले केस में भी यही आ रहा था। तो ये सवाल टफ नहीं है, आप जब इसको एक आध बार प्रैक्टिस पर डालोगे, दो तीन बार प्रैक्टिस पर डालोगे चीज़ों को, तो आपको दिमाग में क्लिक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से करने से दिमाग खुलता है, और आप अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। चलो तो आगे चलते हैं, आप करेंगे रेशियो पे कुछ बेहतरीन बेहतरीन और सवाल। देखो ये रेशियो ऐसा है कि आपको अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार एक दो बार आपने रिवीजन कर लिया इसका तो पूरा आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे भी यही कॉन्सेप्ट लगना है। फिर आपको इसके अलावा परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, और 6 से 7 में बोल रहा हूँ आउट ऑफ 10, अगर जिसमें आते हैं 20 क्वेश्चन तो उसका 70% आप मान के चलो, यानी 14 क्वेश्चन। तो ये क्या है, अर्थमेटिक पोर्शन बोलते हैं इसको, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगना होता है बार बार, और अगर आप इसको एक बार रेशियो या और परसेंटेज दो टॉपिक को सीख लेते हैं तो पूरे सभी टॉपिक को इसी से आप कर ले जाओगे। अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि सीट पर मैंने डाले हुए हैं। अब इस पे क्वेश्चन है जैसे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है, टू नंबर
दो नंबर दिए हैं उनका रेशियो कितना, आर एन डी रेशियो। अब आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप अब आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आप रिवीजन करोगे, वैसे मैं रिपीट करता रहूँगा। आर एन डी रेशियो 29:20 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 420 द रेशियो बिकम्स 7:11। ये क्या है? ऑन डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्टिंग, मतलब उनको कम कर दिया। ऑन डिमिनिशिंग देम बाई, मतलब दोनों नंबर को किससे कम कर दिया? 420 से कम कर दिया, 420 से कम कर दिया, तो उनका रेशियो कितना बन गया? देन देयर। अब आप प्रीवियस ईयर के रेशियो के क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी कुछ मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद तो आप देखेंगे तो आप सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन देन डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, देन देयर, यहाँ पे लिखने ना रेशियो, चलो मैं लिख देता हूँ। देन देयर रेशियो इज 17:11। देन डिफरेंस, डिफरेंस देन ऐसा लिख लो, क्या कहते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज, सम ऑफ टू या हाँ सम ऑफ टू नंबर्स इज क्या हुआ? अब आपको क्या क्वेश्चन दिया कि टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं कोई भी, उनका रेशियो क्या रहा होगा? 29:20 रहा होगा। और ऑन डिमिनिशिंग देम बाई 420, मतलब हर नंबर को 420 से कम कर दिया, तो उनका अब नया जो न्यू रेशियो है, जो न्यू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेशियो इज 17:11। देन सम ऑफ टू नंबर्स इज वॉट, देन वॉट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, ये आपसे पूछा है। आस्क्ड इन क्वेश्चन इज सम ऑफ टू नंबर्स, तो इसको हम कैसे अप्रोच लेंगे इस क्वेश्चन की? मैंने मान लिया नंबर दो क्या रहे होंगे, ए और बी रहे होंगे, उनका रेशियो 29:20 रहा होगा। अगर उनका रेशियो 29:20 रहा होगा तो पहला नंबर क्या रहा होगा? 29x रहा होगा ए, और बी क्या रहा होगा? 20x रहा होगा। ये हम पहले बता चुके हैं, ए 29x या के मान लो या यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी 20x रहा होगा, तो 29x माइनस 420, क्योंकि डिमिनिश बोला है, कम करने को बोला है, और अपॉन 20x माइनस इसमें से भी कम करने को बोला है, और ये रेशियो कितना बन जाएगा? 17:11 बन जाएगा। ये रेशियो 17:11 बन गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जा रही है। 29 × 11, 29 × 11 एक्स माइनस इसको 420 × 11 को भी ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और 20x × 17। कैलकुलेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम का, अभी मैं बताऊंगा बाद में कुछ चीज़ें कैलकुलेशन की कैसे पास करते हैं। आप मुझे पता है ये 11 है और 420 का ही मल्टीपल है, तो मुझे अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी ये करूँगा कि इसको उधर ले जाऊँगा, तो वो 420 × 17 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 420 × 17, और ये 420 − 11 है, तो ये जब कॉमन लेके ऐसा बन जाएगा, क्योंकि 420 − 11 और 420 × 17। अब ये 340x, 340x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ये 290, 290 और 319, 319x हो जाएगा। ये 319x हो गया, ये कितना हो गया? 420 × 6 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? 21x। अब ये अगर 21x बन गया तो ये कितने टाइम्स जाएगा इससे? ये 20 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू यहाँ से आ गई 120। और अगर x की वैल्यू 120 आ गई तो दोनों संख्याओं का सम क्या था? दोनों संख्याओं का सम बनना था 49, ए प्लस बी इज इक्वल टू 49x। और अगर 49x बनना था तो 49 × 120। अब इसको अभी पूरा कर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं बोल रहा था भाई कि कैसे देखते हैं। अब जीरो आ रहा है तो ऑप्शन में है, तो कोई ऑप्शन होगा जिसमें जीरो तो आना ही चाहिए। अब तीनों ऑप्शन ऐसे हैं, तो मैं आगे एक और ट्रिक बताऊंगा डिजिटल सम की, जिससे वो सेपरेट हो जाएगा। तो डिजिटल सम अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैं अभी नहीं बता रहा, इसको मैं अभी सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ये जीरो तो एंड में आना ही है, फिर 12 9 8 और 10, 10 कितना हो जाएगा ये? 5 8 0,
ये इसका ये आंसर हो जाएगा। अब मैं क्या देखता है, या तो जीरो बनना हो, अब मैं डिजिटल सम बताऊंगा वो बताऊंगा, और या सेकंड डिजिट क्या बनना हो, एट बनना हो, तो वहाँ से वो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आसानी से आंसर निकाल आ सकता है। तो मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे करा कि ए और बी का रेशियो 29:20 है, तो ए को 29x, बी को 20x मान लिया, और 29x -420 अपॉन 20x -420, क्योंकि सवाल में दिया है 1:420, तो उनको 420 से कम कर दिया, तो उनका रेशियो क्या बन गया, 17:11 बन गया, और उनका रेशियो 17:11 बन गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फिर कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेशन करके एक्स 120 मिल गया। अगर एक्स 120 मिल गया तो उनका सम क्या था, सम ही पूछा था, 49x बनना था, और एक्स की जगह 120 रख दिया, तो 5880 इनका क्या बन गया, 5880 इनका क्या बन गया, सम बन गया, और यही उस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे चलेंगे। इसका और भी तरीका होता है, वो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो आपको भी कम समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो तब मैं उसको एंड में बताऊँगा, वो और शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप जो पिछला पढ़ाया वो रिवीजन कर लोगे बार बार, तो आपको वो ईजिली समझ में आ जाएगा फिर। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे इस क्वेश्चन और क्वेश्चन को देखेंगे अभी। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि शीट के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ये, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है उसमें। जैसे कि क्या लिखा है ये, 3:3। अब मैं मोबाइल ले लेता हूँ। एक सेकेंड, ये PDF है आपको जो कि प्रोवाइड हो जाएगी। एक सेकंड, PDF भी इसमें मुझे निकालनी पड़ रही है। अभी इसमें निकल नहीं रहा, तो मैं अभी ऐसे ही क्वेश्चन बोल देता हूँ जो मुझे याद है। रुपीस 3:3630 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। 3:3630 इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ बी 3:7 एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टू बी इज In such a manner that ratio of amount of A to B is 3:7 and B:C is 6:5। द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी पूछा है,
द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इज, तो क्या पूछा है? देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि 3,300,630 रुपीज आर डिवाइडेड अमाउंट ए बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ बी इज 3:7 एंड बी इज टू सी इज 6:5, द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इज। तो आपसे बी के द्वारा रिसीव्ड अमाउंट पूछिए, तो पहले तो मैं ये लिख लूँगा दिया गया ए टू बी इज इक्वल टू, पहले तो ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर उसमें जो दिया है वो नोट डाउन करते जाना, जो गिवन है जो कंडीशन भी गिवन है उनको नोट डाउन करते जाना, और फिर उनमें एक लिंक देखनी है बी एस टू सी इज इक्वल टू 6:5। अब मुझे ये पता है कि मुझे टोटल अमाउंट दी है, तो टोटल दी है तो मैं इनको पहले तो रेशियो, यहाँ रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 6 है, तो मैंने क्या बताया था रेशियो को कैसे बैलेंस करते हैं, रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं उनका एलसीएम बनाते हैं नंबर को, तो 6 और 7 का एलसीएम होता है 42, तो इसको 42 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई और इसको 42 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ए इस टू बी इस टू सी क्या आ जाएगा 18:42:35 आ जाएगा। अब ये टोटल कितने यूनिट है, टोटल अगर मैं इनको एक्स या यूनिट में मानता हूँ ये 18 यूनिट 42 यूनिट या 35 यूनिट या 18 रेशियो रहा होगा ये, तो 18:42 कितना हो गया 60 और 35 90। अब एक टोटल कितना बनना है 90 यूनिट या 90x कुछ भी मान लो, और 19x अगर a प्लस बी प्लस सी का टोटल थेयर बनना है, और टोटल थेयर a प्लस बी प्लस सी का कितना दिया है 95 बनना है 95 3:3:630। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा, अगर तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, जब मैं इसको पहले तो 19 से कैंसिल करूँगा, तो 19 से कैंसिल करने के बाद 5 और ये अगर 19 से जाएगा तो 1 टाइम्स और 146 बचेगा, फिर 146 बचेगा, फिर 146 बचा 146 बचा तो 1 1 3 3 कितना टाइम्स होता है 7 टाइम्स, अब बचा 1 3 3 तो 1 3 3 फिर से 7 तो 0। अब ये फिर ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 3, अब ये कितना बचा 3 के बाद कितना बचा 2 7, तो 2 7 यानी कि 5 टाइम्स, तो 2 7 बचने के बाद 2 0 2 0 यानी 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू 3 5 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 4 5 4 आ गई तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 42x और b की वैल्यू 42 थी, तो 3 × 5 = 4 तो 42, तो यानी ऑप्शन का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 42 या 8, और 8 जिस ऑप्शन में लास्ट डिजिट होगा उसको हम चेक कर लेंगे। और इसके अलावा क्या चेक करेंगे, इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि मैं डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, डिजिटल सम जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अभी अगर डिजिटल सम पढ़ा अगर मैं बताऊंगा तो आपको भी वो समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं बता देता हूं, अभी 6 लिख नहीं रहा लेकिन मैं बता देता हूं 6 हो गया इसका, और इसका कितना हो गया 5 4 यानी 3, तो 6 3 18 18 यानी जो ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वही इस सवाल का आंसर होगा। और आप करके देख लेना, जब उसका एडिशन करेंगे कैलकुलेटर से तो 9 ही निकलेगा, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। या मैं इस सवाल को ऐसे भी कह सकता था कि मुझे पता है ये पूरा इंटीजर पार्ट जा रहा है, तो इंटीजर पार्ट जा रहा है अगर x तो 42x है, और 42x है तो यानी कि 42 का मल्टीपल होना चाहिए, 42 का मल्टीपल 42 में क्या क्या छुपा है 7 छुपा है, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और क्या छुपा है 3 छुपा है, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो वो आप वहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा सॉर्ट करने का तरीका, अभी तो आप कॉन्सेप्ट सीखें। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है ऑन द होल सरफेस द रेशियो ऑफ
ऑन द होल, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ऑन द होल सरफेस अभी तो ये एक तरीके से बता रहा हूँ, जब एलिएशन हो जाएगा तो इन सवालों के करने के पास आपके पास कम से कम चार 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 से पांच मेथड होंगे। ऑन द होल सरफेस द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5 एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज 7:9 रिस्पेक्टिवली। देन रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन सदर्न हेमिस्फेयर इच, क्या पूछा है? ऑन द होल सरफेस ऑफ ऑन द होल सरफेस द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5 एंड इन नदर्न हेमिस्फेयर इट इज 7:9 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन सदर्न हेमिस्फेयर इज। अब ये क्या, ऑन ऑन होल सरफेस ऑफ अर्थ लिख लेंगे यहाँ पे, ऑन होल सरफेस ऑफ अर्थ, या वैसे ही समझ में आ रहा है कि नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर किस पे होते हैं, अर्थ पे ही होते हैं। अब ये ऐसे ही अपनी कोई अर्थ रही होगी, अभी डायग्राम के लिए कॉर्पोरेट करेंगे, ये अपनी अर्थ रही होगी, इसमें ये नदर्न हेमिस्फीयर रहा होगा और ये सदर्न हेमिस्फीयर रहा होगा। अब नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का एरिया इक्वल मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और ये यहाँ पे इक्वल भी कंसिडर ही करना है। तो अब क्या दिया है, 3:5 किस पे दिया है, टोटल पे दिया है, यानी कि 3:5 टोटल अर्थ पे दिया है, और उसके अलावा नदर्न हेमिस्फीयर में कितना दिया है, 7:9, नदर्न हेमिस्फीयर में 7:9 दिया है, और पूरे अर्थ की बात करूं तो उस पर 3:5 दिया है। अब अगर पूरे अर्थ पर 3:5 दिया है, किसका दिया है, लैंड और वाटर का, यहाँ पे भी लैंड और वाटर का ही है, तो 3:5 दिया है, 7:9 दिया। अब ये एक बात बताओ, ये अर्थ का आधा रहा होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी अर्थ का आधा, तो मतलब यानी अर्थ और इसका रेशियो 2:1 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे आधी है, 9 और 18 का आधा 9 है, तो 18/9 क्या आता है, 2:1। तो जब भी चीज़ एक चीज़ दूसरे का आधा होगी, तो उनका रेशियो जो बड़ी वाली होगी, जो उसका रेशियो 2:2 बना रहा होगा, बड़ी वाली ऊपर और नीचे वाली छोटे, तो 2:1 बनाना है। मैं तो ये रेशियो 2:1 यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि टोटल की तो बात करेंगे, टोटल ही तो 2:1 में होगा, यहाँ पे टोटल 16 हो रहा है, यहाँ पे टोटल 8 हो रहा है। अब टोटल यहाँ पे 8 हो रहा है और टोटल यहाँ पे 16 हो रहा है, तो पहले तो मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, अगर मुझे 16 और 8 को इक्वल बनाना है, तो ये इसको 16 मुझे पता है, अगर इक्वल बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जब भी आपको 2:1 में बनाना है ना, किसी भी रेशियो में बनाना है, तो पहले उन चीज़ों को किस में बनाओ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मुझे बनाना है 3:1 और 4:3 को, इनको बनाना है मुझे, पहले वाले को 2:1 में बनाना है, जैसे कि पहले वाला मुझे 2 में बनाना है, दूसरे वाला 1 में, तो पहले तो मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल मैं कैसे बनाऊंगा, इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 7 है और ये 4 है, तो 7 4 को मैंने क्या क्या बताया था, इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, उनका एलसीएम पे इक्वल बनाते हैं, तो पहले तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 28 बन जाए उनका एलसीएम, और नीचे फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आता है, पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, फिर अभी मैं उस क्वेश्चन को रोक रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे फिर से देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट को, जैसे दो रेशियो हैं, 3:1 है एक और एक 4:3 है, और मुझे इन दोनों रेशियो को, यानी कि पहले वाले को अगर दो, तो दूसरे वाले को एक बनाना है, ये तो समझ में आ गया होगा, ये 1:1 है और ये 2:1 है, ठीक है, 1:1 2:1 से क्या मतलब है, ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रेशियो, और ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 3+1 टोटल है कितना, 4 है,
और ये 4 + 3 कितना है, 7 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 2 = 1 बनाना है तो पहले चीज़ों को इक्वल बनाना पड़ेगा, और इक्वल बनाने के लिए 4 और 7 को कितने पे इक्वल बनाया जा सकता है, 4 और 7 को इक्वल बनाने के लिए उनके LCM यानी कि 28 पे इक्वल बना सकते हैं। तो अगर मुझे इसको 28 बनाना है तो 4 ये पहले से ही है, और 28 बनाने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से। तो मैंने इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। और अगर मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये कितना, ये नीचे वाला रेशियो 7 है, तो इसको 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अभी तो ये इक्वल बन गए, कैसे इक्वल बन गए कि 3 = 21 और 21 और 7 = 28, 4 = 8, 4 = 16, 16 + 3 = 12, तो ये भी 28। अब मुझे तो क्या बनाना है, इसको ऊपर वाले को 2 बनाना था, नीचे वाले को रेशियो 1 बनाना था, तो अब ऊपर वाले को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऊपर वाले को पहले तो इनको बैलेंस करेंगे, फिर बैलेंस करने के बाद ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 2 = 1 के रेशियो में बन जाएगा। अब देखो, अब ये 2 = 1 के रेशियो में बन गया, कैसे बन गया, 3 × 7 = 21, 21 × 2 = 42, 42 + ये कितना हो गया, 14, 42 + 14 = 56, 56, और नीचे वाला कितना हो रहा है, 16 और 12, तो 12 और 16 = 28, तो यानी 56, ऊपर वाला और नीचे वाला 28, तो 56/28 कितना होगा, 2:1 होगा। तो ऐसे इस रेशियो को बैलेंस करते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा, कैसे लगेगा कि नदन एमस्पियर है अर्थ का और सदन एमस्पियर है। अब नदन और सदन की एरिया बराबर होती है, और नदन और सदन दो ही स्पियर होते हैं अर्थ पे। अगर नदन और सदन की एरिया बराबर होती है तो अगर कोई भी चीज़ जैसे बराबर है, 9 9 मान ली मैंने, तो टोटल कितना होगा, 18 होगा, टोटल 18 हो गया, टोटल 18 हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं, 9 हो गया और ये 18 हो गया, ये टोटल टोटल पृथ्वी तो इतनी होगी, टोटल अर्थ तो इतनी होगी, और ये कौन सा होगा, सदन या नदन होगा। और ये सदन, अगर सदन हेमिस्फीयर होगा और ये अर्थ होगी टोटल, तो इसका इसका रेशियो कितना बनना है, 2:1 बनना, क्योंकि इसका इसका 1:1 था, तो ये पृथ्वी टोटल अर्थ का ही तो आधा होगी। तो अब मुझे अर्थ का और इस नदन हेमिस्फीयर का 2:1 बनाना है, तो इसको 2:1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इन दोनों रेशियो को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, इनको इक्वल, 7 और 9 यानी 16, और ये कितना है, 8 है, तो इसको 16 बनाने के लिए 16 और 8 को कितना बनाए, उनका क्या बनाना है, LCM बनाना है अगर इक्वल करना है, तो वो तो पहले से ही 16 है, क्योंकि 16 और 8 का LCM ही 16 होता है। अब इसको 16 बनाने के लिए 8 का 8 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी बात समझ में आती है। अब ये क्या बन गए, इक्वल बन गए। अब लेकिन ये तो टोटल, ये क्या था, टोटल अर्थ पे वाटर का पर वो था रेशियो, तो अब ये 3:2 बना है, तो अब ये तो अभी इक्वल बना है, तो इसको तो 2:1 के रेशियो में बनाना था, इसका रेशियो और इसका 2:1 होना चाहिए। अब चेक करेंगे, अब हो जाएगा 2:1, तो 12 और ये कितना हो गया, 20। अब लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 और 20 कितना होता है, 32, और यहाँ पे 7 और 9 कितना होता है, 16। तो मतलब अब ये बात सेट हो गई, अब ये मतलब सही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये टोटल अर्थ इतनी हुई, टोटल अर्थ भाई होती कितनी है, टोटल अर्थ लैंड प्लस वाटर ही तो टोटल अर्थ होती है, लैंड प्लस वाटर इज इक्वल टू टोटल अर्थ। टोटल अर्थ यानी कि ये लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 12 + 20 = 32, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 + 9 यानी कि 16, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये क्या है, अर्थ पे है ये टोटल, अगर ये अर्थ पे है और अर्थ में से अगर मैं नदन हेमिस्फीयर हटा दूंगा तो क्या ही तो बचेगा, तो क्या बचेगा, अगर अर्थ में माइनस कर दूंगा मैं नदन हेमिस्फीयर तो क्या बचेगा, सदन हेमिस्फीयर ही तो बचेगा। अर्थ में से मैं नदन हेमिस्फीयर हटा देता हूँ तो सदन हेमिस्फीयर ही तो बचेगा। अब ये नदन हेमिस्फीयर में कितना था, 7:9 था, क्योंकि करस्पॉन्डिंग ही लेना है, तो 7:9 इसका मतलब क्या है, 12x अगर पानी रहा होगा, 12x अगर लैंड रही होगी तो यहाँ पे 7x रही होगी, क्योंकि अभी ये एक रेशियो में आ गए, और ये 20x अगर वाटर रहा होगा तो दूसरे केस में 9x वाटर रहा होगा। अब अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और इसमें ये कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो यही क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर पे ये लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ, कैसे दोबारा से कैसे समझाता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने देखा कि नदन और सदन में दिया, नदन सदन की एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। अगर नदन और सदन हेमिस्फीयर की एरिया अगर इक्वल होती है, अगर उन दोनों की एरिया इक्वल होती है तो क्या होगा, तो मतलब अर्थ की तो इसकी दोगुना होगी, और अर्थ की दोगुना होगी तो पहले अर्थ को इक्वल बनाना पड़ेगा इसके,
तो इक्वल बनाने के लिए ये क्या था, 8 था, ये कितना था, 16 था। तो 8 को पहले मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 16 बन गया। फिर मुझे पता है अर्थ की दुगुनी होती है, तो अर्थ को दुगुना करने के लिए मैंने क्या किया, इंटू टू कर दिया। तो अब एक टोटल कितनी हो गई, 32, और ये टोटल कितनी हो गई, 16 हो गई। तो मतलब ये दुगुनी हो गई, सही है। फिर अर्थ में से अगर मैं नदर ने हेमिस्फीयर और ये टोटल अर्थ है, और अर्थ में से और अर्थ में से मैं नदर हेमिस्फीयर को माइनस करता हूँ, तो क्या बचेगा, सदर्न हेमिस्फीयर बचेगा। सदर्न अगर अर्थ में से, ये टोटल अर्थ है, इसमें से मैं अगर ये हटा देता हूँ तो यही तो बचेगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर बचा दो, सदर्न हेमिस्फीयर ये आ गया। अब सदर्न हेमिस्फीयर बचा, तो ये यानी कि अगर 12 लैंड टोटल ऊपर थी तो नीचे कितनी है, 7, और ऊपर 20 थी तो नीचे अब वाटर कितना है, 9 है। तो वाटर में से लैंड, में से लैंड घटा दिया, वाटर में से वाटर घटा दिया, तभी तो पता चलेगा कि नीचे वाले में कितनी है, तो 5:11। या मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, अगर इससे समझ में ना आया हो तो फिर मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ इसको। ये वैसे बहुत अच्छा मेथड है इक्वल करने वाला। अब अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, तो यहाँ पे नदन पे ये अर्थ पे कितना दिया है, अर्थ पे दिया 3:5। अब ये तो पता ही है कि अर्थ दुगनी होगी नदन हेमिस्फीयर का, ये बात हमें आती है। तो मैंने अर्थ पे इसको क्या मान लिया, 3x मान लिया, और इसको मैंने 5x मान लिया। ये समझ में आता है, ये तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। और इस रेशियो को मैंने बैलेंस नहीं, बैलेंस करने से पहले तो अलग अलग ही स्केलिंग फैक्टर होगा, बैलेंस करने के बाद ही तो सेम बनेगा उनका। तो 7:9y बन गया ये नदर हेमिस्फीयर का, और अर्थ का क्या बन गया, 3x और 5x बन गया। आप जो टोटल अर्थ की एरिया होगी वो तो नदर हेमिस्फीयर की एरिया का दुगनी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। तो टोटल अर्थ की एरिया कितनी हो गई, 8x हो गई, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस होगी, वो 16y के ट्वाइस होगी। इतनी बात तो सबको समझ में आती है, अगर इतनी बात समझ में आती है तो अब ये यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4y आएगा। और अगर x इज इक्वल टू 4y आ रहा है अगर, तो मुझे पता है अगर मैं इन तीनों सभी को एक रेशियो में ले आऊँ तो मैं वहाँ से उनके रेशियो की फॉर्मेशन आसानी से कर सकता हूँ, एक ही यूनिट में ले आऊँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर अर्थ की जगह मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 4y रख दूंगा, तो अर्थ पे अब क्या हो जाएगा, अर्थ पे टोटल ये पहले वाला तो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पता ही है, सवाल में दिया है। तो यानी कि 3:4x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 4y, तो यानी 12y/2x की जगह 4y, तो 20y फिर से। और क्या कहते हैं, नदन हेमिस्फीयर में कितना हो रहा है, 7y/9y। जब इसमें से इसको घटाऊंगा तभी तो सदन हेमिस्फीयर आएगा, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 5/11y आ जाएगा। तो ये 5/11y आ जाएगा, और ये 5/11y आ गया अगर सदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्योंकि इसमें से इसको हटाऊंगा तो भी तो टोटल पानी, टोटल लैंड में से मैंने नदर्न हेमिस्फीयर की लैंड घटाई तो वो सदर्न की आ गई, और टोटल पानी में से ऊपर के पानी में से नीचे का पानी घटाया तो वो सदर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का वाटर आ गया। तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर का, और सदर्न हेमिस्फीयर का क्या बचेगा, सदर्न हेमिस्फीयर का आंसर क्या जाएगा, 5:11। इधर लिख देता हूँ मैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो दोबारा से। अर्थ कितनी हो गई, 12/20y की रेशियो में। फिर क्या कहते हैं, नदर हेमिस्फीयर कितना हो गया, नदर हेमिस्फीयर हो गया 7/9y के रेशियो में। अब इसमें से इसको घटाऊंगा, अर्थ में से नदन को घटाऊंगा, तो क्या सदर्न हेमिस्फीयर ही बचेगा। तो ये 5/9, और ये कितना बचा, ये वाटर में से वाटर कटेगा भाई, सीधी सी बात है, और लैंड में से लैंड कटेगी, ये ऊपर वाली, ये वाली लैंड थी और ये वाला वाटर था, तो 11/9। तो अभी ये रेशियो क्या बन गया, 5:11। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, आज की क्लास में पहले क्या जाना, प्रोपोर्शन का मतलब जाना, वो क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, अगर दो नंबर है ए बी तो एक्स इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू B² / A। अगर तीन नंबर है तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा ए बी सी, तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू BC / A। और अगर
मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाए दो नंबर का, मीन प्रोपोर्शनल तो एक्स इज इक्वल टू रूट ए भी होता है, वो प्रोपोर्शनल की बात जानी। फिर हमने क्या जाना, फिर उस पर कुछ सवाल करें, फिर उसके बाद रेशियो की प्रॉपर्टी यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ एंड सो ऑन, बहुत सी कंडीशन उसमें बननी थी। फिर उसके बाद फिर उस पर हमने कुछ क्वेश्चन करे, फिर उसके बाद हमने मिसलिनियस क्वेश्चन उठाए, फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन करा अर्थ के सरफेस वाला, और इस तरह से पूरी क्लास हमारी वो पूरी क्लास इस तरह से आज रही। और अब लेकिन अगली क्लास में क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आपको ये वाले वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा जो पिछला अभी तक कवर हो गया है, और आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी आ जाएंगी। और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये कि अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको बार बार फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एमएनसी लेवल का एग्ज़ाम दे पाएंगे।